पवन के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर, खबर ये कि पवन सिंह का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वायरल होने के पीछे वजह है भाई भोजपुरिया अवार्ड शो जो सिंगापुर में हुआ था। उस अवार्ड शो में दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह दोनों ने मिलकर दी थी ट्रिब्यूट बॉलीवुड के यंगरी यंग मैन कहे जाने वाले सनी देओल को। जी हाँ, सनी देओल भी इस अवार्ड शो में गए थे एज अ गेस्ट के रूप में, और गेस्ट का सम्मान करना हमारे भोजपुरिया स्टार्स को बहुत बखूबी आता है। स्टेज पर लगातार बैक टू बैक कई सनी देओल के हिट गाने बजाए गए और यहाँ पर दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह ने जमकर परफॉर्म किया। पहले पवन सिंह ने सनी देओल के गानों पे परफॉर्म किया, फिर निरहुआ ने परफॉर्म किया, फिर दोनों ने मिलकर धर्मेंद्र के गानों पे परफॉर्म किया और इस परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश नजर आए सनी देओल। और तो और इस अवार्ड शो में पवन सिंह ने सोलो स्टेज परफॉर्मेंस भी दी। बदनाम कर दोगी का गाना और पवन वाला डांस, इन दोनों पर उन्होंने जमकर डांस किया। वैसे पवन बहुत कम डांस प्रेफर करते हैं, लेकिन भोजपुरिया अवार्ड शो में तो उन्होंने शमा ही बांध दिया और ऑडियंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। सनी देओल, जो कि पहली बार किसी भोजपुरिया अवार्ड शो में गए थे, उन्होंने ये देखा कि अवार्ड शो की रौनक किसी बॉलीवुड अवार्ड शो से कम नहीं है। सनी देओल ने इस अवार्ड शो की बहुत तारीफ की और पवन और निरहुआ को तहे दिल से उन्होंने थैंक्स भी कहा और कहा कि पवन और निरहुआ ने उनके गानों पर दमदार परफॉर्मेंस भी दी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि पवन सिंह ने किसी को इतनी बड़ी ट्रिब्यूट दी है। इससे पहले पवन सिंह ने कभी किसी बॉलीवुड स्टार को ट्रिब्यूट नहीं दी थी। वैसे पवन सिंह को अजय देवगन और सनी देओल बहुत पसंद हैं। तभी तो सनी देओल, जिनकी घातक, घायल, जय हिंद जैसी कई बॉलीवुड में फिल्में बनी हैं, उसी तर्ज पर पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी वही फिल्में बनाई। अभी घातक फिल्म की तो हाल ही में पवन सिंह शूटिंग भी कर रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।